वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस बाय अनिल राय सर। और आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके कराऊंगा, ठीक है। और मोस्ट आईएमपी चैप्टर है, इससे एमपी बोर्ड में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन है, कुछ मूलभूत परिभाषा है, उनको समझना जरूरी है, ठीक है। तो हमारे टॉपिक का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। अब प्रत्यावर्ती धारा को पढ़ने से पहले हम ऑलरेडी हालांकि परिभाषा हम पढ़ चुके हैं। क्या परिभाषा पढ़ चुके हैं? धारा क्या होती है? तो धारा क्या रहती है? आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। आपकी जो धारा जो रहती है, धारा कितने प्रकार की रहती है? विद्युत धारा सर, धारा ना बोलकर हम इसको क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या लिखी हमने? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, तो आई बराबर क्या होता है? क्यू अपान टी, मतलब एकांश समय में जितना आवेश प्रवाह होता है किसी चालक में से, वह क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा का मात्रक यदि हम लिखें, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकंड। क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति सेकंड। ये जो कूलाम प्रति सेकंड है, इस कूलाम प्रति सेकंड को बोलते हैं एम्पियर, ए से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो धारा का मात्रक क्या रहता है? एम्पियर रहता है, कूलाम प्रति सेकंड को ही बोला जाता है। अब ये जो विद्युत धारा है, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, आई इक्वल डी क्यू अपॉन डी। मतलब क्या हुआ कि यदि हम आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो वो क्या मिल जाएगा हमको? विद्युत धारा प्राप्त हो जाती है। आवेश का अवकलन कीजिए किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष, तो क्या मिलेगी हमको? विद्युत धारा प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ आता है विद्युत धारा कितने प्रकार की रहती है? विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। तो जो विद्युत धारा जो हम पढ़ रहे हैं, ये कितनी प्रकार की रहती है? दो प्रकार की रहती है। विद्युत धारा के प्रकार कौन कौन से दो प्रकार रहेगी? सबसे पहला एक हम जो चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं वही है प्रत्यावर्ती धारा, और एक दीप्त धारा। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों धारा है लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार की धारा है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती? वह धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों ही समय के साथ बदलते हैं, वो क्या कहलाएगी? प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। जैसे हमारे घरों में जो धारा प्रवाहित होती है वो कौन सी धारा रहेगी? प्रत्यावर्ती धारा रहती है, ठीक है। अब आते हैं हम दिष्ट धारा पर। दिष्ट धारा वह धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ नहीं बदलते, दिष्ट धारा कहलाती है। तो दिष्ट धारा किससे प्राप्त होती है? जैसे बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है कौन सी धारा कहलाती है? दिष्ट धारा। जैसे हमारे बस है, कार है, उनमें जो बैटरी लगी रहती है उनमें कौन सी धारा निकलती है? दिष्ट धारा निकलती है, ठीक है। और जितनी भी बैटरियां हैं हमारी जो आवेशित की जाती हैं, चार्ज की जाती हैं, कौन सी धारा से की जाती है? दिष्ट धारा से। हमारा मोबाइल जो चार्ज होता है वो भी किससे होता है? दिष्ट धारा से। अब आप सोच रहे होंगे घरों में तो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ? किससे प्रवाहित होती है? दिष्ट धारा से। कैसे? जब हम हमारे मोबाइल को की बैटरी को चार्ज करते हैं तो हम एक चार्जर लगाते हैं, उस चार्जर में एक कन्वर्टर लगा रहता है जो प्रत्यावर्ती धारा को किसमें बदलता है? दिष्ट धारा में बदलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी मोबाइल किससे की जो बैटरी है वो किससे चार्ज होगी? दिष्ट धारा से, क्योंकि उसमें जो कन्वर्टर लगा रहता है जो एसी को डीसी में, मतलब प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल देता है। हम इनको शॉर्ट फॉर्म में प्रत्यावर्ती धारा को बोलते हैं एसी अल्टरनेटिंग करंट, और दिष्ट धारा को बोलते हैं डीसी डायरेक्ट करंट कहते हैं, ठीक है। ये हमने परिभाषा पढ़ी। क्या था पहले? विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा का मात्रक क्या रहता है? एम्पियर रहता है। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यावर्ती धारा होती है और एक दिष्ट धारा होती है। प्रत्यावर्ती धारा क्या बोला था हमने? कि जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलता है वो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ नहीं बदलता वो दिष्ट धारा कहलाती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या प्रत्यावर्ती धारा पे दोबारा देखिए, प्रत्यावर्ती धारा,
तो प्रत्यावर्ती धारा को हम किस समीकरण से प्रदर्शित करते हैं? प्रत्यावर्ती धारा को प्रदर्शित किया जाता है या तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी से, या I बराबर I नॉट कॉस ओमेगा टी से। ये दो समीकरण है, इन दोनों में से किसी एक समीकरण से हम प्रत्यावर्ती धारा को प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें शब्द जो है उपयोग किए गए हैं, सबका अलग अलग अर्थ है। इसमें जो I है इसको बोलते हैं धारा का तात्क्षणिक मान। कौन सा? धारा का तात्क्षणिक मान। तात्क्षणिक मान मतलब किसी समय t पर, कोई सा एक फिक्स टर्म लेंगे, उस समय पर धारा का जो मान रहेगा उसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? I से। अब आता है यहां पर I नॉट। ये I नॉट क्या आता है? धारा का शिखर मान। धारा का शिखर मान। अब धारा का शिखर मान मतलब महत्तम मान। इसी शिखर मान को आयाम भी कहते हैं। धारा का क्या बोलते हैं? आयाम भी कहते हैं। अब इधर आता है क्या? ओमेगा। ओमेगा कहलाती है कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति, तो ये ओमेगा होती है, तो ओमेगा बराबर होता है 2π/T। ठीक है, यहाँ पर देखिए आई को क्या बोलते हैं? धारा का तात्क्षणिक मान, मतलब किसी समय टी पर धारा का जो मान रहेगा उस मान को किससे प्रदर्शित करेंगे? आई से। आई नॉट क्या कहलाता है? धारा का शिखर मान या आयाम बोलते हैं। और ओमेगा कहलाती है कोणीय आवृत्ति। ओमेगा बराबर होता है 2π/T होता है। ठीक है, इसी प्रकार अब जैसे हम इसका ग्राफ यदि हम बनाने चाहें, इसका ग्राफ क्या बनेगा? इसका देखिए हम ग्राफ बनाने चाहें तो जो साइन का जो ग्राफ है वो ग्राफ बना दिया जाएगा। तो साइन कहां से शुरू होता है? जीरो से। इस तरीके से इसका एक ग्राफ बन जाएगा। और यहां देखिए ये स्टार्ट कहां से होती है? जीरो से स्टार्ट होती है। और कहां जाके इसका एक चक्र पूर्ण हो जाता है? 2π पे जाके इसका चक्र पूर्ण हो जाता है। तो ये इसका अधिकतम मान कहां पर आया है? π/2 पर। न्यूनतम मान कहां पर आ गया है? π पर। फिर ये एक अधिकतम मान कहां मिल गया है? 3π/2 पर। तो इसका एक जो पूरा चक्र है यहां से लेकर यहां तक देखिए पूरा एक चक्र बन गया ये वाला, जीरो से 2π। और यदि हम कॉस के उसमें लिखेंगे, कॉस का यदि हम कॉस के समीकरण से रिप्रेजेंट करेंगे तो कॉस रूप में इसका ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा, ये ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है, अब जैसे हमने प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या लिखा था? I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। इसी प्रकार हम प्रत्यावर्ती विभव को प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रत्यावर्ती विभव, तो प्रत्यावर्ती विभव को कैसे प्रदर्शित करेंगे? समीकरण क्या रहता है उसका? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर हम इसको कॉस के रूप में भी लिख सकते हैं, V बराबर V नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, जैसे प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, इसी प्रकार प्रत्यावर्ती विभव को हम प्रदर्शित करते हैं, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी रहता है। अब हम प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं उनको समझते हैं। अब प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित परिभाषा, तो सबसे पहले कौन सी परिभाषा हम समझते हैं? आवर्त काल। आवर्त काल क्या होता है? ठीक है, हमने अभी क्या देखा? प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा किस तरीके से चलती है? इस तरीके से हमने ग्राफ बनाया था, ये तरीके से ये ग्राफ था। तो इसका एक चक्र उन्होंने आधा चक्र ऊपर गया है और आधा चक्र पूरा गया। इस चक्र को पूर्ण करने में जितना समय लगता है प्रत्यावर्ती धारा द्वारा, वह प्रत्यावर्ती धारा का क्या कहलाता है? आवर्त काल। तो क्या परिभाषा बनी? प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र पूर्ण होने में लगे समय को प्रत्यावर्ती धारा का आवर्त काल कहते हैं। और आवर्त काल को कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है। और टी बराबर होता है 2π/ω। 2π पर क्या होता है? ओमेगा होता है। ठीक है, और हमारे घरों में जो धारा प्रयुक्त होती है
उसका आवर्तकाल, घरों में प्रयुक्त धारा का आवर्तकाल क्या होता है, टी बराबर 1/50 सेकेंड। हमारे घरों में जो प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा है उस धारा का आवर्तकाल कितना होता है, टी इक्वल 1/50 सेकेंड। अब दूसरी परिभाषा आवृत्ति, आवृत्ति क्या होती है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। मतलब यहां पर हमने जो चक्र पूर्ण कर रहे थे इस तरीके से ये प्रत्यावर्ती धारा घूमती जाएगी, बार बार ये घूमती जाएगी, जितने चक्कर पूर्ण करने लगे किस समय में, एक फिक्स समय में, तो प्रत्यावर्ती धारा द्वारा एक सेकेंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को स्मॉल एम या एन या न्यू से प्रदर्शित करते हैं, और आवृत्ति हमेशा आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है। तो आवृत्ति किसका व्युत्क्रम है, आवर्तकाल का। तो f इक्वल लिखें तो 1/T हो जाएगा, इससे सूत्र बने 1/ ये वाला सूत्र रख दें तो क्या बन जाएगा, 2π/ω, तो बन जाएगा ω/2π। अब यदि हम मात्रक लिखें, आवर्तकाल का मात्रक क्या था, सेकंड, आवृत्ति का मात्रक क्या रहता है, चक्र प्रति सेकंड, चक्र प्रति सेकंड, ठीक है, या हर्ट्ज भी होता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। जैसे हम क्या लिखते हैं, Hz लिखते हैं, और हमारे घरों में जो प्रयुक्त धारा होती है उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। मतलब हमारे घरों में जो धारा प्रयुक्त होती है वो एक सेकंड में कितने चक्र पूर्ण कर लेती है, 50 चक्र पूर्ण कर लेती है, ये हो गई आवृत्ति। तीसरी परिभाषा हम पढ़ते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, शिखर मान, शिखर मान या आयाम दोनों एक ही है, इसको हम प्रदर्शित करते हैं I0 से। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो महत्तम या अधिकतम मान होता है, जो महत्तम या अधिकतम मान को क्या बोलेंगे, शिखर मान कहते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हमने पढ़ी, अभी और डेफिनेशन करते हैं धारा का, औसत मान निकालते हैं। क्योंकि अभी हमने क्या देखा, देखिए यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा किस तरीके से मूव करती है, इस तरीके से, ये इस तरीके से प्रत्यावर्ती धारा जाएगी। तो चूंकि प्रत्यावर्ती धारा देखिए प्रथम अर्ध चक्र में धनात्मक तथा शेष अर्ध चक्र में कैसी होती है, ऋणात्मक, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना रहेगा, शून्य रहता है। जैसे प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य रहता है, बिल्कुल सेम वैसे ही प्रत्यावर्ती विभव का औसत मान भी क्या रहेगा, शून्य। अब देखिए हम मैथमेटिकली हम प्रूव करके बताते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हम तुम्हारा में प्रत्यावर्ती धारा को कैसे प्रदर्शित करते हैं, आई बराबर I0 sin ωt, ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। अब देखिए चूंकि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, अब औसत मान हम कैसे निकालेंगे, आई यहां क्या लगाएंगे, एवरेज बराबर में, अब देखिए यहां पर किस तरीके से करना, हमने लिए समाकलन होगा 0 से 2π। हमने 0 से 2π क्यों लिमिट ली, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा 0 से स्टार्ट होती है और फिर कब रिपीट होती है, 2π पे जाके रिपीट होती है। तो लिमिट क्या लगा दी, 0 से 2π, किसका समाकलन करना है, आई का, किसके सापेक्ष, ओमेगा टी के सापेक्ष, अपान में आएगा वही लिमिट रहेगी 0 से 2π, और समाकलन क्या हो जाएगा, डी ओमेगा टी। अब यहाँ पर देखिए ये जो आई लिखा है, आई को हटा के इतनी वैल्यू हमको पुट करना है, क्यों, क्योंकि आई I0 sin ωt के इक्वल रहती है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 से 2π आई को हटा के हमने लिखा I0 sin ωt और डी ओमेगा टी, अपान में 0 से 2π डी ओमेगा टी को एज इट इज लिखा। अब यहां देखिए समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, ओमेगा टी के, तो समाकलन मान किसका होगा, साइन ओमेगा टी का, आई नॉट का नहीं होगा, तो आई नॉट को मैं समाकलन के बाहर कर देता हूं। तो ये समाकलन के अंदर क्या बचा, 0 से 2π और साइन ओमेगा टी एंड डी ओमेगा टी, फिर अपान में 0 से 2π डी ओमेगा टी, ये हो गया। अब आगे करते हैं हम इसको,
तो क्या चल रहा है, ये आई एवरेज चल रहा है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। तो आई एवरेज बराबर आई ना वहां है। अब हम समाकलन करेंगे इसका साइन ओमेगा टी का। साइन ओमेगा टी का ओमेगा टी के सापेक्ष समाकलन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। अपान आ जाइए और ये लिमिट कर जाएगी ब्रैकेट के बाहर जीरो से टू वाई। अपान में से टी ओमेगा टी का समाकलन हो जाएगा ओमेगा टी और लिमिट लग जाएगी जीरो से टू पाई। अब हम लिमिट पुट करेंगे आई, इसमें से माइनस के साइन को अभी हम बाहर करना है। ये जो माइनस का साइन है हमारे पास में, इसको मैं बाहर कर देगा, ये बन जाएगा माइनस के साइन को बाहर कर दिया। आई नॉट लिखा ब्रैकेट के अंदर कॉस ओमेगा टी जीरो से टू पाई अपान में ओमेगा टी, ये जीरो से टू पाई हो गया। ठीक है, अब हम लिमिट रखेंगे, एक बार ओमेगा टी को हटा के अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट रखी जाएगी और बीच में किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो माइनस आई नॉट इक्वल कॉस की जगह कॉस लेगा, इस ओमेगा टी को हटा के कितना लिख दिया हमने टू पाई लिख दिया, माइनस का साइन लगाइए फिर से कॉस लेगा, ओमेगा टी को हटा के क्या लिखेंगे जीरो अपान माइन ओमेगा टी को हटा के पहले कितना लिखेंगे टू पाई, ये लिख दिया हमने टू पाई, ओमेगा टी घटा कर क्या लिख दिया जीरो लिख दिया। अब यहां से हमको मालूम होने चाहिए क्योंकि कॉस टू पाई की वैल्यू कितनी होती है वन एंड कॉस जीरो का मान भी कितना होता है वन होता है, इसलिए ये आई एवरेज मतलब प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान बराबर माइनस आई नॉट कॉस टू पाई की वैल्यू कितनी वन, कॉस जीरो का मान भी वन, टू पाई बचा नीचे, यहाँ वन से वन कैंसिल कितना आ गया जीरो। ये सिद्ध भी हो गया कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान एक पूर्ण चक्र में औसत मान कितना होता है शून्य होता है। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती विभव यदि हम लिखें, क्या लिख देंगे, इसी प्रकार प्रत्यावर्ती विभव का औसत मान ये भी कितना रहेगा शून्य रहेगा। तो हमने ऑलरेडी बोला था, कैसे बोल दिया था कि प्रत्यावर्ती धारा क्योंकि आधे चक्र में धनात्मक है तथा शेष आधे चक्र में कैसी है ऋणात्मक है, इसका औसत मान कितना आ जाएगा शून्य आ जाएगा। अब ऐसे प्रभाव जो औसत मान पर निर्भर करते हैं तो वो प्रत्यावर्ती धारा प्रदर्शित नहीं करती, जैसे धारा का चुंबकीय प्रभाव है, धारा का रासायनिक प्रभाव है, ये औसत मान पर निर्भर करते हैं। अब क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना रहता है शून्य होता है, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती क्योंकि वो आधे चक्र में धनात्मक होती है तथा शेष आधे चक्र में ऋणात्मक होती है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान क्या निकालते हैं, हम एक पूर्ण चक्र में निकालेंगे, तो इसका मतलब है जो हम प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है तो पहले प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग का माध्य मतलब क्या कर देंगे औसत कर देंगे और मूल मतलब क्या हम निकालेंगे वर्गमूल। वर्ग मतलब वर्ग ही होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। तो वर्ग माध्य मूल मान को हम प्रदर्शित करते हैं आई आर एम एस से। आई आर एम एस से क्यों, आर फॉर होता है रूट, एम फॉर मीन, एस फॉर स्क्वायर, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब वर्ग माध्य मूल मान होता है। आई आर एम एस से प्रदर्शित करते हैं, ये आई आर एम एस बराबर हमको कैसे निकालना है अंडर रूट ऑफ आई एवरेज का स्क्वायर। इसी प्रकार यदि हमको निकालना हो वी आर एम एस तो ये भी क्या बन जाएगा अंडर रूट वी स्क्वायर ऑफ इसका एवरेज। ठीक है, अब हम निकालते हैं प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और उसके शिखर मान में संबंध। तो देखिए वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान व शिखर मान में संबंध, शिखर मान में संबंध। अब ये हम संबंध किस किस में निकालना है संबंध, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मान मूल मान और शिखर मान में संबंध निकालना है। ठीक है, तो हम पहले क्या निकालते हैं प्रत्यावर्ती धारा का, इस सबसे पहले हमको क्या निकालना आई स्क्वायर एवरेज निकालना है। ठीक है, तो एवरेज का स्क्वायर निकालना है,
औसत मान के लिए। तो सबसे पहले हमको मालूम है प्रत्यावर्ती धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, इससे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर क्या चाहिए भाई, आई स्क्वायर एवरेज चाहिए। तो लिखा चूंकि आई एवरेज का जो स्क्वायर है वो कैसे निकाला जाता है, अभी हमने कुछ देर पहले निकाला था, कैसे समाकलन किया जाएगा जीरो से टू पाई तक, किसका किया जाएगा आई स्क्वायर का, और किसके सापेक्ष समाकलन कर दिया जाएगा इसका डी ओमेगा टी के सापेक्ष। अपान क्या जाएगा जीरो से टू पाई एंड डी ओमेगा टी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो आई स्क्वायर है इस ये है तो हम इसका स्क्वायर करके लिख देंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा समाकलन जीरो से टू पाई, तो आई का स्क्वायर है हम इसका पूरे का स्क्वायर कर दें, ये बन जाएगा आई नॉट का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड डी ओमेगा टी अपान में आएगा समाकलन जीरो से टू पाई डी ओमेगा टी हो गया। अब देखिए समाकलन में साइन का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यह साइन का स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर को हमको बदलना पड़ेगा, किसमें सिंगल पावर में, तो सिंगल पावर में कैसे बदलेगा ये देखिए मैं फार्मूला लिख रहा हूं, क्योंकि cos 2 थीटा इक्वल होता है कितना, cos 2 थीटा इक्वल होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो यहां से हम sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू यदि हम निकालें किसकी वैल्यू sin स्क्वायर थीटा की, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 2 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, तो यहां देखिए हमारे पास में ये जो थीटा है इस थीटा की जगह क्या ले लेना है ओमेगा टी, इसलिए ये बनेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बन जाएगा। तो अब ये जो वैल्यू है हम यहां पुट कर देंगे इस वाले समीकरण में, तो ये हमारा बन जाएगा आई एवरेज का स्क्वायर इक्वल समाकलन 0 से 2 पाई आई नॉट स्क्वायर, तो आई नॉट स्क्वायर को हमने इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया। ठीक है, बचा क्या साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हटा के ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं 1 अपॉन 2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और ये डी ओमेगा टी अपॉन में समाकलन 0 से 2 पाई डी ओमेगा टी हो गया। अब हम समाकलन करते हैं तो ये आई नॉट के स्क्वायर को वैसे ही वैसे लिखा अपॉन में 1 अपॉन 2 को भी अपन ये बाहर कर दिया। अब समाकलन होगा 1 का समाकलन ओमेगा टी के सापेक्ष क्या हो जाएगा ओमेगा टी हो जाएगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का समाकलन होगा साइन 2 ओमेगा टी और अपॉन में कितना जाएगा 2 आ जाएगा और लिमिट 0 से 2 पाई हमने यहां रख दी। अब इसके होल अपॉन में आए इसका समाकलन होगा डी ओमेगा टी, जैसे डी एक्स का एक्स होता है वैसे डी ओमेगा टी का समाकलन क्या हो जाएगा ओमेगा टी 0 से 2 पाई। अब हम क्या करेंगे जो ओमेगा टी है जहां जहां ओमेगा टी है वहां हटा के पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो हम लिमिट पुट कर रहे हैं तो ये इक्वल हो जाएगा आई नॉट 1 अपॉन 2। सबसे पहले देखिए ओमेगा टी हटा के 2 पाई पुट किया ये रख दिया 2 पाई माइनस साइन 2 की जगह 2 ओमेगा टी की जगह 2 पाई पुट करेंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा अपॉन में 2 आ गया। अब माइनस का साइन लगा के कौन सी लिमिट पुट करेंगे 0 इसको हटा के 0 पुट किया तो 0 हो गया ये भी क्या हो जाएगा साइन 0 अपॉन 2 अपॉन में हम आए ओमेगा टी को हटा के कितना लिखेंगे 2 पाई माइनस ओमेगा टी को हटा के फिर क्या लिखेंगे 0। अब यहां से हमको मालूम होना चाहिए कि साइन 4 पाई और साइन 0 इन 0 का कितना मान होता है 0 ही होता है, इसलिए ये क्या चल रहा है हमारा आई स्क्वायर एवरेज चल रहा है, ये हो जाएगा आई एवरेज स्क्वायर इक्वल कितना है आई नॉट अपॉन 2 लिख दे रहा है इसको आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 लिख दे रहा है आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 तो बचा क्या है यहाँ पर ओनली 2 पाई बचेगा बाकी सब तो हट जाएगा क्योंकि ये 0 हो गया ये 0 हो गया ये 0 हो गया अपॉन में कितना है 2 पाई यहाँ 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया तो अब हमारे पास में क्या मिला आई एवरेज का स्क्वायर इक्वल
I not का स्क्वायर अपॉन में 2। अब हम यहां पर इसका स्क्वायर हटा देंगे, यहां कितनी आ गई। अब चूंकि I R N S बराबर होता है अंडर रूट ऑफ आई एवरेज का स्क्वायर, तो अब हम क्या करेंगे, ये इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ इसको हटा के वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आएगा, I नॉट का स्क्वायर अपॉन में 2। I नॉट का स्क्वायर तो हट गया, अपॉन क्या गया ओनली रूट 2, तो ये मिल गया I R N S इक्वल में I नॉट वाई रूट 2। इसको और आगे भी हम लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 0.707 I नॉट, ये आ गया प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमात्र मूल मान और शिखर मान में संबंध। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार भीम आर एम एस प्रत्यावर्ती विभव का वर्गमान मूल बराबर वी नॉट अपान में रूट टू, ये बराबर हो जाएगा 0.707 वी नॉट। ठीक है, ये हमने निकाला किसमें, प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमान मूल मान और धारा के शिखर मान में संबंध। आई आर एम एस बराबर क्या होता है, आई नॉट अपान में रूट टू होता है। इसको हम आई आर एम एस बराबर 0.707 आई नॉट भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि हमको लिखना है प्रत्यावर्ती विभव का वर्गमान मूल मान वी आर एम एस बराबर वी नॉट अपॉन रूट टू इक्वल 0.707 क्या हो जाएगा, वी नॉट, ये वी नॉट बराबर हुआ है वी नॉट। ठीक है, अब ऐसे नहीं देखिए, यदि कहीं आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया जाए, कैसा न्यूमेरिकल देखिए, हम न्यूमेरिकल करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान दिए गए, शिखर मान दिया हुआ है, कितना गिवन है शिखर मान 5√2, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान क्या लिखा है 5√2, तो इसका वर्गमात्र मूल मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान दिया हुआ है, वर्गमात्र मूल मान हमको निकालना है, क्योंकि हमारे पास सूत्र है आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपॉन रूट टू, ये हमारा फॉर्मूला है, तो वैल्यू रख दीजिए, आई नॉट कितना है 5√2 और अपान में कितना है √2, √2 से √2 कैंसिल, कितना गया 5 एम्पियर। प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमात्र मूल मान कितना जाएगा 5 एम्पियर। अभी तक हमने प्रत्यावर्ती परिपथ से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ी, अभी और हमें प्रत्यावर्ती परिपथ से संबंधित कुछ और परिभाषाएं समझना है, फिर हम उनसे संबंधित उन परिभाषाओं का उपयोग परिपथ में प्रयोग करेंगे। ठीक है, कुछ परिभाषाएं पढ़ने से पहले कुछ चिन्ह है उनके बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे यदि परिपथ में क्या लगा हो, प्रेरकत्व कुंडली लगी हो, तो प्रेरकत्व कुंडली को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, इस तरीके से, ये प्रेरकत्व कुंडली का चिन्ह है, इसका 100 प्रेरकत्व कितना कहते रहता है L। उसके बाद यदि क्या लगा हो, संधारित्व, तो संधारित्व का चिन्ह में क्या रहता है, ये यहाँ पर ये दोनों डंडियां सेम रहेंगी, संधारित्व की धारिता क्या रहेगी C। और एक और क्या रहता है, ओमीय प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध, तो ओमीय प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं हम इस तरीके से, ये ओमीय प्रतिरोध है R। ठीक है, अब इन्हीं का उपयोग करके हम प्रत्यावर्ती परिपथ के बारे में धारा निकालेंगे, विभांतर, प्रतिवादा, प्रतिघात वगैरह निकालेंगे, क्योंकि प्रत्यावर्ती परिपथ इन्हीं प्रत्यावर्ती परिपथ में जो प्रत्यावर्ती विभांतर या धारा होती है वो इन्हीं तीनों चीजों से क्या की जाती है, नियंत्रित की जाती है। तो ये तीनों चीजें क्या करती हैं, धारा के मार्ग में रुकावट डालते हैं, तो उन तीनों चीजों को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, तो इनको प्रतिरोध भी कहते हैं। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग, स्थिति के अनुसार इनको हम प्रतिरोध भी कहते हैं, प्रतिघात भी कहते हैं और प्रतिबाधा भी कहते हैं। तो यहाँ हम समझते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिघात कब कहेंगे और प्रतिबाधा कब कहलाएगी वो चीज। तो सबसे पहले प्रतिरोध पढ़ते हैं, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध को हम प्रदर्शित किससे करते हैं, आर से। तो प्रतिरोध कोई भी चालक हो, कोई भी चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट या अवरोध डालती है उसे हम क्या कहते हैं,
प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जो बोर्ड रहता है, स्विच रहता है, मेन स्विच रहता है जिससे कनेक्शन ट्यूबलाइट का होता है, पंखे का होता है, तो वहां पर वो स्विच जो रहती है वो किसका कार्य करती है, प्रतिरोध का कार्य करती है। क्यों? क्योंकि स्विच को ऑफ कर दीजिए तो वहां पर धारा रुक जाएगी, तो उसने धारा के मार्ग में क्या डाल दिया, रुकावट डाल दिया। तो क्या परिभाषा हुई, कोई भी चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट या अवरोध डालती है, उस रुकावट या अवरोध को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। अब इसमें यह भी याद रखना, प्रतिरोध का जो मात्रक है क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, जिसे हम चिन्ह इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो यार हमने क्या समझा, प्रतिरोध समझा। अब हमको समझना है दूसरा अखबार, प्रतिधार। प्रतिघात क्या होता है, यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या या L या C इन दोनों में से कोई एक लगा हो, यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरकत्व कुंडली L या संधारित्र C इन दोनों में से कोई एक लगा है, तो परिपथ का जो प्रभावी प्रतिरोध रहेगा उसी प्रतिरोध को ही क्या बोलेंगे, प्रतिघात कहते हैं। बस इसको प्रदर्शित करने का तरीका अलग है, इसको प्रदर्शित करते हैं x से, मात्रक सेम वही रहेगा, इसका मात्रक भी क्या रहेगा, ओम रहेगा, और प्रदर्शित इसको भी वही चिन्ह से किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब क्या लगा हो, प्रेरकत्व कुंडली लगा हो, तब उसको बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात। तो ये जो प्रेरण प्रतिघात है इसको प्रदर्शित करते हैं XL से, और XL बराबर हो जाएगा क्या, ओमेगा है। लेकिन जब क्या लगा हो, संधारित लगा हो, तो उसको बोलते हैं धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात। तो जो धारितीय प्रतिघात है उसको प्रदर्शित किया जाएगा किससे, XC से। तो ये XC बराबर होता है 1/ ओमेगा C, ये प्रेरण प्रतिघात ये रहेगा, धारितीय प्रतिघात ये रहेगा। यह भी क्या चीज है, प्रतिरोध ही है, यह भी क्या करेंगे, धारा के मार्ग में रुकावट डालेंगे, बस स्थिति बदल गई, जब ओमीय प्रतिरोध लगा तो प्रतिरोध आर मात्रक ओम रहेगा। लेकिन परिपथ में या तो प्रेरकत्व कुंडली एल या संधारित्र सी लगी हो, तो जब ये धारा के मार्ग में रुकावट डालेंगे उस प्रभावी प्रतिरोध को ही क्या बनेंगे, प्रतिघात कहेंगे। जिसे किससे प्रदर्शित करेंगे, प्रतिघात को x से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक भी क्या रहेगा, ओम ही रहेगा। ठीक है, अब यदि परिपथ में प्रेरकत्व कुंडली लगी है तो प्रेरण प्रतिघात क्या निकलेगा, xl बराबर ओमेगा l, और यदि परिपथ में संधारित्र लगा है तब उसे बोलेंगे धारितीय प्रतिघात, तो xc बराबर 1/ ओमेगा c हो गया। हमने क्या पढ़ा अभी, प्रतिरोध पढ़ा, प्रतिघात पढ़ ली, प्रतिघात को किससे प्रदर्शित कर लिया, x से। अब एक और चीज है इन्हीं चीजों से संबंधित, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, z से, इसका मात्रक भी क्या रहेगा, ओम ही होगा, इसका मात्रक भी क्या रहता है, ओम रहता है, क्योंकि यह भी प्रतिरोध होता है, यह भी विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालती है। लेकिन इसको कब बोलेंगे, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में से इन तीनों में से, यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरण कुंडली, संधारित्र सी या ओमीय प्रतिरोध इनमें से कोई दो या दो से अधिक लगे हों, तो परिपथ के प्रभावी प्रतिरोध को क्या बोलेंगे, जेड बोलते हैं, प्रतिबाधा ही बोलते हैं। ये कब अप्लाई होगा, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में इन तीनों में से कोई दो लगे हों या तीनों के तीनों लगे हों, तब हम उस प्रतिरोध को क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा बोलेंगे, और जिसे किससे प्रदर्शित करेंगे, जेड से प्रदर्शित करेंगे। इसका मात्रक भी क्या होता है, ओम रहता है, क्यों, क्योंकि यह भी प्रतिरोध ही है। ठीक है, अब हम इन तीनों के एक एक करके, फिर डबल डबल करके, फिर तीनों को एक साथ करके परिपथ बनाते हैं, केवल ओमीय प्रतिरोध वाला प्रत्यावर्ती परिपथ। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, इसका क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, क्या केवल ओमीय प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में बहने वाली धारा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, पहला तरीका। दूसरा तरीके से आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि केवल ओमीय प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती विभवांतर और प्रत्यावर्ती धारा समान कला में
होती है। ठीक है, तो ये हम करके बताते हैं। देखिए डायग्राम बनाना जरूरी है, इसमें केवल उमेय प्रतिरोध, केवल प्रतिरोध अकेला लगाना है, या हम केवल मान ली प्रतिरोध लगा रहा है, ये प्रतिरोध लगाया है, ये प्रतिरोध के स्रोत पर ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत जोड़ा गया है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत है, ये धारा प्रवाहित हो गई। ठीक है, इसमें भी हमको फेजर ग्राफ यदि बनाना है तो इस तरीके से बनेगा, धारा भी इसी इधर आएगी, विभवांतर भी इसी डायरेक्शन में आएगा, कैसे आएगा ये आपने जाके प्रूफ हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, तो प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाएगा V बराबर V0 sin ओमेगा t, प्रत्यावर्ती विभवांतर, ये इसमें धारा प्रवाहित होगी I, जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो इस प्रतिरोध के स्रोत पर विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा V। तो हम इसमें थ्योरी यदि हम देखें तो थ्योरी में क्या लिख सकते हैं हम, माना कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध के स्रोत पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत जोड़ा गया है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत क्या होता है, V बराबर V0 sin ओमेगा t होता है। हमने कल कहा प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत का समीकरण V बराबर V0 sin ओमेगा t, इसको ले लिया समीकरण नंबर एक। अब यदि इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, यदि परिपथ में धारा I प्रवाहित की जाए, यदि परिपथ में धारा I प्रवाहित की जाए तो ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से प्रतिरोध के स्रोत पर विभवांतर, किसके स्रोत पर, प्रतिरोध के स्रोत पर विभवांतर, हम इस प्रतिरोध के स्रोत पर विभवांतर किसके नियम से लिखना है, ओम के नियम से, तो ओम का नियम क्या होता है, भी बराबर आर आई, ये बन गया, ये बन गया समीकरण नंबर दो। अब समीकरण एक और दो को देखिए, दोनों के लेफ्ट हैंड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी हम सेम कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण एक व समीकरण दो से, तो इनके दोनों को लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है, इनके राइट हैंड इक्वल है, इसका राइट हैंड साइड लिखा आर आई इक्वल में, इसका राइट हैंड साइड क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, लिख दिया ये वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम पक्षांतर कर रहे हैं, आई को यही लिखा, इस वी नॉट के अपान में कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा, ये वी नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये जो वी नॉट अपान आर है ये क्या कहलाता है, आई नॉट, और आई नॉट क्या कहलाता है, धारा का शिखर मान, ये क्या है, धारा का शिखर मान, इसलिए अब हम ये I बराबर लिख देंगे, इस I नॉट अपान को I V नॉट अपान R घटा के क्या लिख देंगे, I नॉट लिख देंगे, और ये साइन ओमेगा T, ये बन गया धारा के लिए समीकरण, इसको चाहो तो समीकरण नंबर तीन दे दीजिए। अब यहाँ देखिए नोटिस क्या करेंगे, समीकरण एक और समीकरण दो को, समीकरण किसमें था, साइन में, तो यहाँ भी समीकरण किसमें मिला, धारा का साइन, ये धारा का है और ये विभव का, विभवांतर का, दोनों में देखो साइन का फंक्शन है। अब इनकी कला में अंतर निकालेंगे, इसकी कला क्या है ओमेगा टी, इसकी कला क्या है ओमेगा टी, इनकी कला में अंतर निकालिए कितना मिला, जीरो मिला, इसका मतलब इनकी कला में अंतर शून्य है, तो मतलब ये हुआ कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभवांतर समान कला में होते हैं, किस परिपथ में, केवल ओमीय प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में। तो हम यहाँ थ्योरी में लिख सकते हैं कि समीकरण एक और समीकरण दो से स्पष्ट है कि केवल ओमीय प्रतिरोध वाला प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभवांतर समान कला में होते हैं, ये दोनों चीज प्रूफ हो गया हमारे में। इसमें क्वेश्चन, केवल संधारित्र वाला प्रत्यावर्ती परिपथ, तो केवल संधारित्र में संधारित्र लगाया, इसके स्रोत पर प्रत्यावर्ती पूर्ति लगाया, ये इसका फेजर ग्राफ बनेगा, इसमें धारा आगे होती है और विभव पीछे होता है, कैसे होता है वो अभी बताऊंगा, इसी बेस पर क्वेश्चन बनता है। इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि सिद्ध कीजिए कि केवल संधारित्र वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा आई से 90 डिग्री पश्चगामी होता है, तो वोल्टेज 90 डिग्री पश्चगामी हुआ, तो दूसरे शब्दों में यदि हम बोलें
धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एक और तरीके क्या आ सकता है इसका क्वेश्चन का कि केवल संधारित्र वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा और धारितीय प्रतिघात के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। जैसे अपन कैसे करेंगे तो देखिए सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, मान कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में संधारित्र सी के स्रोत पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत जोड़ा गया है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न समीकरण से प्रदर्शित करते हैं, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, इसको दे दिया समीकरण नंबर ए। अब यदि संधारित्र में प्रवाहित आवेश Q हो तो संधारित्र के प्लेटों में विभवांतर V है, तो यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो, भी हो तो विभवांतर भी है तो हमको मालूम है आवेश का फार्मूला Q बराबर क्या होता है CV, इसको दिया समीकरण नंबर दो। अब हम समीकरण एक से भी का मान समीकरण नंबर दो में रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण एक व समीकरण दो से, लिख दिया हमने, हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये क्यू की जगह क्यू लिखा, C की जगह C, ये जो V लिखा है इस V को घटा के हम ये लिख देंगे V नॉट साइन ओमेगा T, तो लिखा V नॉट साइन ओमेगा T लिख दिया, ठीक है। अब चूंकि हमको तो निकालना है धारा, तो हमको मालूम है चूंकि विद्युत धारा क्या होता है I बराबर dQ अपॉन dt, मतलब क्या हुआ इस Q का T के सापेक्ष क्या कर देंगे अवकलन, तो Q हमारे पास में ये दिया हुआ है, इस Q को हम यहां रख देंगे तो ये हमारे पास में फार्मूला बन जाएगा I बराबर d अपॉन dt, Q को हटाया तो Q की वैल्यू यहां से लिखेंगे क्या है C V नॉट sin ओमेगा t, लिखा C V नॉट sin ओमेगा t। अब यहां देखिए अवकलन हो रहा है किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, टी के सापेक्ष, तो अवकलन के अंदर केवल वही राशियां रहेंगी जिनमें टी है और जिनमें टी नहीं है उनको अवकलन के बाहर कर देंगे, तो आई बराबर इस सी वी नॉट को हम बाहर कर देंगे, तो इस अवकलन के अंदर केवल कौन रहेगा साइन ओमेगा टी। अब हम अवकलन कर देंगे, जैसे ही अवकलन होगा तो यह अवकलन का चिन्ह डी अपॉन डीटी हट जाएगा, तो साइन ओमेगा टी का अवकलन क्या हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो गया, तो यहां थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी बन गया। अब चूंकि यहां पर ये सी वी नॉट ओमेगा जो आया है ये कहलाता है आई नॉट, ओमेगा क्या कहलाता है आई नॉट, आई नॉट क्या है धारा का शिखर मान, कौन सा मान कहलाता है धारा का शिखर मान कहलाता है, ठीक है। इसलिए हमारे पास में ये आई चल रहा है, आई की जगह आई लिखा, इतने को हटा के क्या लिख देंगे आई नॉट लिख देंगे बराबर में आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब इधर नोटिस करने वाली बात यह है कि हमारा जो स्टार्टिंग जो समीकरण था साइन में था, इधर किस में आ गया है कॉस में आ गया है, इसका मतलब इस कॉस को किस में बदलना पड़ेगा साइन में बदलना पड़ेगा, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, ये बन गया धारा का समीकरण। इसको यदि हम चाहें तो समीकरण नंबर तीन दे देंगे। अब यहां पर हम थ्योरी लिखेंगे, थ्योरी क्या लिखेंगे यहां पर कि समीकरण एक और समीकरण नंबर तीन को देखिए, इनकी कला में देखिए इधर ओमेगा टी है, इधर इसकी कला कितनी है ओमेगा टी है, इधर इसकी कला कितनी है ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू है, मतलब इसमें प्लस में कितना आ गया पाई बाय टू हो गया, ये कितनी ज्यादा हो गई पाई बाय टू मतलब 90 डिग्री ज्यादा हो गई, मतलब क्या हुआ कि समीकरण एक और समीकरण तीन से स्पष्ट है कि केवल संधारित्र वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है, कितनी डिग्री प्लस में पाई बाय टू है मतलब 90 डिग्री अग्रगामी है,
दूसरे शब्दों में बोले कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से 90 डिग्री पश्चिमानुमान होता है। ये हमने डायग्राम जो बनाया हुआ ग्राफ जो बनाया हुआ है इसको नीचे इसलिए बनाया है क्योंकि 90 डिग्री इससे किससे धारा से पीछे, तो धारा आगे है और विभव पीछे है, तो क्या हुआ धारा आगे और विभव पश्चिमानुमान है। ठीक है, एक हमने धारा के लिए व्यंजक निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना है धारितीय प्रतिघात निकालना है। इसी में हम निकालेंगे धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात। अब धारितीय प्रतिघात कैसे निकालेंगे, देखिए क्योंकि धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान क्या आया था हमारे पास में, ये आया था धारा का शिखर मान सी वी नॉट ओमेगा बराबर आई नॉट था, लिखेंगे सी वी नॉट ओमेगा बराबर कितना था आई नॉट था। अब हम इसको पक्षांतर करके अरेंज करके लिखते हैं, कैसे लिखा है इसको वी नॉट ओमेगा सी बराबर में आई नॉट, पक्षांतर किया इस वी नॉट के अपान में आ जाएगा आई नॉट बराबर एक के अपान में आ जाएगा ओमेगा सी आ जाएगा। अब यहां से देखिए ये जो चूंकि वी नॉट अपान आई नॉट है ये कहलाएगा एक्स, ये भी प्रतिरोध कहलाएगा। कैसे बनेगा ये प्रतिरोध, देखिए यहां पर हमारे पास ओम का नियम था, ओम का नियम क्या था भी बराबर आर आई है, पक्षांतर करके देखिए कि भी अपान आई किसके बराबर है आर के, है क्या दीजिए प्रतिरोधी है, इसलिए भी नॉट बटे आई नॉट को लिखेंगे एक्स, इधर प्रतिरोध ना बोल के क्या बोलेंगे एक्स, क्योंकि जब परिपथ में केवल संधारित्र या कुंडली लगी हो तब उसे प्रतिरोध ना बोल के क्या बोलते हैं प्रतिघात कहते हैं, प्रतिघात को किससे प्रदर्शित करते हैं एक्स से, और क्योंकि संधारित्र लगा है इस वजह से इसके सापेक्ष में क्या लगा देंगे सी, तो जो एक्स सी है इसी एक्स सी को बोलते हैं धारितीय प्रतिघात। अब इसलिए इस वी नॉट अपॉन आई नॉट को हटा के हम क्या लिख देंगे एक्स सी, तो ये एक्स सी बराबर वन अपॉन ओमेगा सी, इसको आप चाहो तो और आगे बढ़ा सकते हैं, क्यों क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f, f क्या कहलाती है आवृत्ति, तो ये एक्स सी बराबर हो जाएगा 1 बटे ओमेगा घटा के 2 पाई f और c। ये आ गया धारितीय प्रतिघात के लिए व्यंजक। इसमें हमने ये भी सिद्ध कर दिया कि केवल संधारित्र वाले प्रत्यावर्ती प्रपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है, मतलब पीछे होता है, इसका मतलब धारा आगे होती है धारा अग्रगामी होती है। अब क्वेश्चन है केवल प्रेरक कुंडली वाला प्रत्यावर्ती परिपथ, अब ऐसा परिपथ लेंगे जिसमें केवल प्रेरक कुंडली लगी हो, ठीक है, तो प्रेरक कुंडली लगी रहती है उसका सौप्रेकत्व होता है कैपिटल एल। इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगा, सबसे पहले एक चित्र बनाता हूं, जो परिपथ क्या रहेगा विद्युत परिपथ क्या रहेगा, क्या लगाना है प्रेरक कुंडली लगाना है, प्रेरक कुंडली को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, तो देखिए प्रेरक कुंडली लगाते हैं, ये प्रेरक कुंडली लगा दी, अब इसके समय पर ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत लगा दिया हमने, प्रेरक कुंडली क्या रहेगी एल रहेगी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसका फेजर ग्राफ भी अभी बना देता हूं और आप भी में कैसे सम एक्सप्लेन भी कर दूंगा कैसे बनाइए, धारा आगे रहती है सॉरी धारा इधर रहेगी, इसका विभांतर जो रहेगा इनके बीच का विभांतर वी एल ये ऊपर क्यों जाएगा, मतलब इस परिपथ में विभांतर धारा ऐसे अग्रगामी होता है, दूसरे शब्द में बोले धारा विभांतर से पश्चगामी होती है। अब किस तरीके से क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन आएगा केवल प्रेरक कुंडली वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा तथा प्रेरण प्रतिघात के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, धारा और प्रेरण प्रतिघात के लिए व्यंजक पहला तरीका क्वेश्चन का, दूसरा तरीका कि केवल प्रेरक कुंडली वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में सिद्ध कीजिए कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से 90 डिग्री अग्रगामी रहता, कितना आगे रहेगा 90 डिग्री अग्रगामी रहेगा पहला तरीका, दूसरा तरीका पूछ सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि केवल प्रेरक कुंडली वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा विभांतर से 90 डिग्री पश्चगामी, मतलब विभांतर आगे है धारा पीछे है, ठीक है, हम थ्योरम कैसे लिखेंगे, माना कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरक कुंडली एल के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत जोड़ा गया वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, तब इसको अपन लिखते हैं, इसको निम्न समीकरण से प्रदर्शित करते हैं वी बराबर वी नॉट
साइन ओमेगा टी समीकरण नंबर एक दे दिया। ठीक है, यदि परिपथ में प्रवाहित धारा आई हो तो प्रेरक कुंडली के सिरों पर विभवांतर, प्रेरक कुंडली के सिरों पर विभवांतर, सिरों पर विभवांतर, तो क्या निकलेगा? प्रेरक कुंडली के सिरों पर विभवांतर बनेगा V बराबर L di अपान dt। अब यहां से हम di की वैल्यू निकालना है, पक्षांतर के लिए हमने ये di बराबर मिलेगा v के अपान में आ जाएगा l और ये dt आ जाएगा। इसको दे दिया समीकरण नंबर दो। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक से v का मान समीकरण नंबर दो में पुट करेंगे, तो लिखेंगे रखेंगे तो लिखा समीकरण एक व समीकरण दो से, समीकरण एक बार समीकरण दो से, तो यहां देखिए वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्या चल रहा है, डी आई बराबर, डी आई बराबर ये जो भी लिखा है, इस भी को हटा के क्या लिखेंगे, भी नॉट साइन ओमेगा टी लिखा, भी नॉट साइन ओमेगा टी, अपान में क्या चल रहा है इसके एल, तो ये एल लिख दिया, और क्या चल रहा है डी टी, तो ये डी टी लिख दिया हमने। ठीक है, अब हम यहां करेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन हम दोनों पक्षों का समाकलन कर दे रहे हैं। देखिए यहां पर समाकलन का चिन्ह लगाया डी आई, समाकलन का चिन्ह लगाया वी नॉट अपान में एल, सही से बनाते हैं साइन ओमेगा टी डी। अब यहां डी आई का समाकलन तो आई हो गया, लेकिन यहां देखिए ये दोनों कॉन्स्टेंट हैं, क्यों, क्योंकि टी के सापेक्ष में समाकलन हो रहा है, तो हम वी नॉट अपान एल को हम समाकलन के बाहर कर देंगे, तो समाकलन के अंदर केवल क्या बन जाएगा साइन ओमेगा टी एंड डी, क्यों, क्योंकि किसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है, यहां टी के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम समाकलन कर रहे हैं वी नॉट अपान एल। अब साइन ओमेगा टी का समाकलन होता है, याद रखिए माइनस कॉस ओमेगा टी, और ये टी का जो कोफिशिएंट है, टी का ये जो गुणांक है, वो कहां आएगा अपान में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा और अरेंज कर देते हैं, वी नॉट के अपान में ये ओमेगा एल कर दिया, ब्रैकेट के अंदर बचा माइनस का कॉस ओमेगा टी बचा। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि हमारा जो समीकरण था वो किसमें था, साइन में था, इधर समीकरण किसमें है कॉस में है, वो भी माइनस में है, तो इसको किसमें बदलना पड़ेगा साइन में बदलना पड़ेगा, तो हम साइन में बदल देते हैं, कैसे, आई बराबर वी नॉट अपान में ओमेगा एल, इसको पूरे हम ऐसे करने के लिए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, इतना लिख दिया। अब इधर हमको याद होना चाहिए, चूंकि ये जो वी नॉट अपान ओमेगा एल है, ये कहलाता है क्या I नॉट, ये कहलाता है क्या धारा का शिखर मान, हो गया। अब यहां देखिए, इसलिए ये I की जगह I लिखा, इस V नॉट अपान ओमेगा L को हटा के क्या लिख देंगे हम I नॉट लिख देंगे, और ये साइन ओमेगा T माइनस पाई बाय टू। हमारे पास ये जो समीकरण बना है, इस समीकरण को दे देते हैं समीकरण नंबर तीन। ठीक है, ये हमने केवल प्रेरक कुंडली वाले प्रत्यय परिपथ में धारा के लिए व्यंजक निकाल रहे हैं। अब इस धर देखिए, यहां हम थ्योरी में लिखेंगे कि समीकरण एक और समीकरण तीन से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, इसकी कला कितनी है ओमेगा टी, और इसकी कला में से कितना माइनस हो गया पाई बाय टू, कितना कम हो गया पाई बाय टू मतलब 90 डिग्री कम हो गया, इसका मतलब हो गया कि धारा विभवांतर से कितनी पीछे हो गई 90 डिग्री पीछे हो गई, इसका मतलब विभवांतर धारा से 90 डिग्री आगे हो गया। तो दोनों तरीके की जो वर्डिंग है वो हमारी प्रूव हो गई, क्या लिख सकते हैं हम समीकरण एक और समीकरण तीन से स्पष्ट है कि केवल प्रेरक कुंडली वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती विभवांतर से 90 डिग्री पश्चिमगामी होती है, पहली वर्णिंग। दूसरी वर्णिंग क्या हो सकती है कि केवल प्रेरक कुंडली वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती विभवांतर प्रत्यावर्ती धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, ये ऊपर की ओर कर दिया और ये नीचे की ओर हो गया।
ठीक है। अब इसी में हमको क्या निकालना है, प्रेरण प्रतिघात। अब हमको क्या निकालना है, प्रेरण प्रतिघात के लिए भी व्यंजक निकालना, निकालते हैं प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात, अब चूंकि हमको मालूम है, चूंकि धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान कितना है हमारे पास में, यह है हमारे पास में धारा का शिखर मान, तो इसको लिखते हैं हम वी नॉट अपॉन ओमेगा एल बराबर आई नॉट। ये था हमारे पास में देखिए धारा का शिखर मान। अब हम इसको पक्षांतर कर रहे हैं, पक्षांतर करते हैं तो ये जो वी नॉट है इसके बटे में क्या आ गया आई नॉट ओमेगा एल को यहां भेजा गया, ठीक है। अब यहां देखिए चूंकि वी नॉट बटे आई नॉट क्या कहलाएगा, एक्स कहलाएगा। अब ये x क्यों कहलाएगा, इसमें देखिए क्या लगा हुआ है प्रेरक कुंडली, तो इसके सफिक्स में क्या लगा देंगे, l लगा देंगे, क्योंकि भी धारा और विभवांतर और धारा का अनुपात क्या होता है, प्रतिरोध होता है, कि हाँ प्रतिरोध ना बोलकर क्या बोलेंगे, प्रतिघात बोलेंगे। ये कौन सी प्रतिघात है, प्रेरण प्रतिघात। इसलिए अब हम इस वी नॉट अपॉन आई नॉट को हटा के क्या लिख देंगे, एक्सएल लिख देंगे, तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल हो गया, ठीक है। इसको और आगे बढ़ाना हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एल, तो ये एक्सएल बराबर हो जाएगा 2 पाई एल, ठीक है। अभी हमने सिंगल सिंगल परिपथ लगी है, मतलब हमने केवल प्रतिरोध लगाया, संधारित लगाया, कुंडली लगाई। अब हम दो दो को इकट्ठा लगाएंगे और एक इकट्ठा तीन बार लगा लेंगे, फिर लास्ट में एक मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन कराऊंगा प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान के लिए, प्रूव करेंगे पी एवरेज बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस पाई, एग्जाम के लिए मोस्ट मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन करेंगे।